सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डेक ऑनलाइन टेक। तो दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पैन कार्ड अब सभी के लिए ज़रूरी हो गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पैन कार्ड बनवाने के लिए पहले हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और काफ़ी जो है चक्कर काटने पड़ते थे लोगों के, दोस्तों जी हजूरी करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे दोस्तों, उन्हें इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमें पैसे देने पड़ते थे। तो यहाँ पे अब जो है नया पोर्टल चालू कर दिया गया है वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री में ही आपको अपना पैन कार्ड बनवा लेना है दोस्तों, और 5 मिनट लगेंगे आपको इस पैन कार्ड को बनाने में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं कि देखिए, घर बैठे 10 मिनट में बिल्कुल फ्री में बनवाए पैन कार्ड वित्त मंत्री ने लॉन्च की ये सुविधा। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि आप कैसे बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सकते हैं कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम देखिए, ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फिलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इस पोर्टल पर आपको स्टैंड पैन थ्रो आधार सेक्शन में जाकर बाएं तरफ दिए गए क्विक लिंक पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है डायरेक्ट उस लिंक पर पहुँच जाएंगे और मैं आपके आगे करके भी दिखाऊँगा दोस्तों, आपको कैसे क्या करना है। इसी पेज पर गेट न्यू पैन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर देना होगा और आधार नंबर OTP जनरेट करने के लिए कैप्चर कोड डालना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप ये जान लें कि दोस्तों, ये आधार के द्वारा आपका जो है पैन कार्ड बनेगा। जितनी डिटेल आपके आधार में है उसी सेम डिटेल पर आपका पैन कार्ड बनाया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, पैन कार्ड बनाने के लिए आपको अपना आधार पास में रखना होगा और आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको भी आपको अपने पास में रखना होगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो अगले स्टेप की बात करते हैं दोस्तों, इसमें वैलिडिटी करना होगा अपना डिटेल। तो यहाँ देखिए, पैन कार्ड आवेदन के लिए आपको ईमेल आईडी भी वैलिडेट करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वहाँ पे एक ईमेल आईडी भी आपको डालना होगा, आपके आधार से भी अगर लिंक है ईमेल आईडी तो भी वहाँ आप डाल सकते हैं। तो बात करते हैं यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया EKYC डेटा को वैलिडेट करने के बाद आपको इंस्टेंट पैन जारी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस सभी प्रोसेस को पूरा करने के लिए 10 मिनट से भी कम समय आपको लगेगा। फिर दोस्तों, यहाँ देखिए, अगर उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो चेक स्टेटस डाउनलोड पैन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद उसे आप आसानी से PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो है इस माध्यम से पैन कार्ड उन्हीं लोगों को जारी किया जाएगा जिनके पास पहले से पैन कार्ड नहीं है, साथ ही उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान दें कि आधार कार्ड पर जन्मतिथि भी उपलब्ध है। इसके अलावा आपको यह भी जानने की ज़रूरत है कि ई पैन सुविधा नाबालिग के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों कि आपका जो है आधार, मोबाइल नंबर, ये सब लिंक होना चाहिए दोस्तों। और पैन कार्ड जिनका पहले से, जैसे जिनके आधार नंबर पे बन चुका हो, दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ऑफिशियल साइट पर लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, ध्यान से देखना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स इंडिया efillings.gov.in ये वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, तो यहां पे देखिए एक पॉपअप करके विंडो आ रहा है। तो इसे हम यहां से जो है, यहां से कट करके इसे हम जो है यहां से दोस्तों हटा देंगे। तो हटा देने के बाद दोस्तों, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा पैन कार्ड बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ हम नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर इंस्टेंट पैन थ्रो आधार का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो इस पर हमें कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों दो ऑप्शन, गेट न्यू पैन कार्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको पैन कार्ड जो है बना लेना है। और बनाने के बाद दोस्तों, जब आप इसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ से चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन कार्ड पर क्लिक करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बनाने के लिए गेट न्यू पैन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि आपको सभी जानकारी आपके आधार से अंकित ही यहाँ पर भरनी है। तो इसलिए दोस्तों, ये ध्यान ज़रूर रखें कि आपको जो है आपके आधार नंबर पर जो स्पेलिंग, जो नाम अंकित है, वही आपको यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ही वो रिजेक्ट जो है डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, प्लीज़ इंटर योर आधार नंबर फॉर पैन अलाउमेंट।
तो यहाँ पे दोस्तों अपने आधार नंबर को भर देना है और ये कैप्चर कोड यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आई कन्फर्म दैट पर क्लिक करके जो है इसे जो है यहाँ से हम दोस्तों जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ रूल्स जो है दिए गए हैं, आई हैव नेवर बिन अलॉट ए परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, यानी कि आपके पास पहले से जो है पैन कार्ड नंबर नहीं है दोस्तों। और यहाँ देखिए माय मोबाइल नंबर इज़ लिंक्ड विथ आधार नंबर, यहाँ से आपका जो है मोबाइल नंबर जो आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। और माय कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल ऑन आधार कार्ड, यानी कि दोस्तों आप अप्लाई करने के लिए आपकी डेट जो है बर्थ आपका जो है उम्र नाबालिग नहीं होना चाहिए, कम्प्लीट होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर हों। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो इतना भरने के बाद दोस्तों आपको जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो है आधार नंबर पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो उसे भरने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी यहाँ से कर देना है दोस्तों। तो यहाँ से ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा वैलिडेट आधार डिटेल। तो यहाँ पर जो है आपका आधार में जितनी जानकारियाँ हैं सभी जो है यहाँ पर आ जाएंगी। उसे आप जो है देखने के बाद वहाँ पे ओके कर देना और ओके करने के बाद देखिए वैलिडेट ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी भी दोस्तों आप जो है वहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी आप जो जैसा लिखा रहेगा ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे गेट पैन पर आपको कर देना है क्लिक। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप अपने आधार को यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आधार नंबर ही डालना है और बाकी सब ओके करते चले जाना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आपका जो है पैन कार्ड सिर्फ 2 मिनट में ही बन जाएगा। वापस उसे डाउनलोड करने के लिए दोस्तों हम उसी साइट के मेन पेज पर फिर से जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चेक स्टेटस एंड डाउनलोड के पैन कार्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों आधार नंबर डालना है और ये कैप्चर कोड यहाँ पे डालना है, उसके बाद कर देना है सबमिट। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, उसके बाद यहाँ से आपका स्टेटस में जो है आधार कार्ड दिखाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो वो PDF फाइल में डाउनलोड होगा, आप उसे जो है कंप्यूटर से जा करके आप उसे आसानी से निकलवा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगली जानकारी नई जानकारी के साथ, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।